अरविंद केजरीवाल के जिक्र पर बोले कुमार विश्वास, कहा सबूत होते हुए मैंने 0.0001% बोला। कुमार विश्वास कविताओं और अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते, लेकिन किसी समय में उन्होंने आम आदमी पार्टी के माध्यम से राजनीति में भी कदम रखा था, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से अनबन के बाद उन्होंने अलग राह चुन ली। तभी से वे इशारों में सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में जब एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में उनके सामने सीएम केजरीवाल का जिक्र किया गया तो उन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उनकी दोस्ती और उनके बीच आई दूरी पर आज तक बात होती है। वही इसको लेकर कुमार विश्वास ने कहा कि अभी तो मैंने 0.0001% ही बोला, लेकिन मैं सबूत होते भी बहुत सारी बातें इसीलिए भी नहीं बोलता हूं क्योंकि इससे किसी राजनीतिक दल का फायदा तो हो जाएगा लेकिन जनमानस की चेतना का बहुत नुकसान हो जाएगा। वही कुमार विश्वास ने बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया के जेल में होने और उनके परिवार से संपर्क के सवाल पर कहा कि उन्हें इश्क हुआ है। वो जानते हैं कि जब पहला और सच्चा इश्क फेल होता है तो आदमी बहुत दिन तक रोता है, बहुत दिन तक उस दिन की याद आती रहती है और वो खरोच उसके चेहरे से कभी नहीं हटती है। मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है, पहली क्लास से लेकर शादियां होने तक, बच्चे होने तक, एक दूसरे के बच्चों को अपने साथ रखने तक हम साथ थे।